आज हम कुछ ऐसे पोकेमोन को लेके बात करने वाले हैं जो कि अपने पहले फॉर्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ाई लेते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करने से स्टार्ट, पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो यही लोग पहले नंबर पे आते हैं वह बेल ब्लॉसम, जो कि आप सभी को पता होगा एक फीमेल टाइप पोकेमोन जो कि ज़्यादातर अपने आप ही नेचुरली इन्वॉल्व होते हैं। और इन्हें पोकेमोन जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में ज़्यादातर दिखाया गया था, उनके बाद उन्हें बहुत ही कम कर दिया दिखाना, क्योंकि ज़्यादातर बंदों को पता नहीं पसंद नहीं आई, ऐसा क्या कारण था। और ये ज़्यादातर भाई मून लाइट में ज़्यादातर होते हैं रात के टाइम, मतलब मून स्टोन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्हें एक तरह से डेवलप कर सकता है, मतलब विकसित कर सकता है। और इन्हें जनरेशन 1 में इतनी बढ़िया तरीके से लीफ स्टोन के साथ दिखाया गया, जनरेशन 2 में भी ग्लूम इन्वॉल्व्स ब्लॉसम्स इस सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। अब अगले पोकेमोन का नाम है भाई पॉलीट्रॉन। देखने में आपको ये ग्रास टाइप लग रहा होगा, बट ये वाटर टाइप पोकेमोन है। जी हाँ गाइस, इसे बहुत ही कम, मतलब एक तरह से ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा भाई, ज़्यादातर जो ट्रेनर्स होते हैं वो अपने पोकेमोन को विकसित करने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ ऐसी सीन है। ये बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई अगर पॉलीराथ या पॉलीवॉल या पॉलीटोट के साथ अगर कोई भी अलग अलग स्टोन का इस्तेमाल किया जाए तो अलग अलग फॉर्म में एक बार के लिए शायद बन सकते हैं, शुरुआत में कुछ ऐसे बताया गया था। अगले पोकेमोन का नाम है भाई स्लोकिंग, जो कि आप सभी को पता होगा एक आलसी पोकेमोन में से एक है, जो कि दोनों ही काफ़ी हद तक साइड एक और स्लोकिंग और जितने भी इसके जनरेशन में आए हैं स्लोकिंग स्लोप्रो स्लोपोक भाई काफ़ी एक जैसे ही आलसी पोकेमोन में से एक हैं। और ये पोकेमोन भाई ज़्यादातर साइकिक टाइप पोकेमोन होते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़की है। और इनके साथ भी जो स्टोन है वो भी अलग अलग जनरेशन के साथ ही इनको चेंज करता है। अगले पोकेमोन का नाम है हिपमोन टाइप, जिसके आप सभी को पता होगा जो कि एगम ब्रीडिंग इन्हें जिसन सेकेंड में आया था। अब बात करी जाए कि भाई ये भी एक तरह से बेबी पोकेमोन में से आता है, जैसे लाइक अ पीचू। अब जो कि एक फाइटर टाइप होने के बावजूद भी इसके जो जितने भी अब जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब जो इसका ट्रिगर भाई अटैक है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब हिटमोनली भी भाई स्टोन से चेंज हो जा सकता है, और हिटमोन चैन भी जो कि इन्हीं के विकसित है। अगले पोकेमोन का नाम है ईवी भाई। ईवी में भी भाई ईस्पॉन एंड एम्ब्रियन ज़्यादातर आते हैं। एस्फियन और एम्ब्रियन भाई दोनों ही साइकिक टाइप पोकेमोन में से एक माने जाते हैं, और जो इनको विकसित करने वाला है वो कि एक मूनलाइट। मूनलाइट के सामने इनकी एनर्जी हाई होती है, और इनको जो मून स्टोन है इनसे अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होते हैं भाई।